आंटी अब आप ट्राई करके बताएं कि आपको कैसा खुशबू तो बहुत आ रही है। चलिए बिस्मिल्लाह करिए। आंटी आपने सब चीज ट्राई करनी है। हांडी जो है मेरी फ्रेंड बना के लेकर आई है, ये भी आप ट्राई करेंगी। अच्छा ये आपने क्या क्या? आंटी चिकन समोसे हैं, वन बाइट फिंगर चिकन है और बीफ शामी कबाब है और ये पिज़्ज़ा पार्सल मतलब जो आपके मेन्यू में है, ये पिज़्ज़ा पार्सल है। ओके मुझे ये चखना है बिकॉज मेरे शामी कबाब अच्छे नहीं लगते। नहीं आंटी आपके बहुत मज़ेदार होते हैं, आप ट्राई करेंगे। लीजिए जी यहाँ पे आप भी लीजिए। आप केटरिंग आपने बताया कि आप 25 से 50 लोग जी, तो खाना कैसा आप पहुँचाते हो? गरम रहता है वहाँ जाके? गरम अगर जैसे पुलाव वगैरह होता है तो हम एज इट इज पतीलों में ही देते हैं। वो पतीलों में ही देते जी, पतीलों में देते हैं। और बाज़ वक्त हमें कहते हैं कि 1-1 kg के बॉक्सेस बना दें, तो हम फिर अपने 1 kg वाले बॉक्सेस बना के वो तैयार करते हैं। जो रमज़ान में अक्सर होता है, जो इफ्तारी के बाद का डिनर जा रहा होता है, तो वो मेरा पुलाव बॉक्सेस में पैक होकर जाता है। उसमें आलू गोश्त है, पुलाव है, कढ़ाई चिकन मेरी बहुत रनिंग पर है, तो ये सारी चीज़ें, कोरमा, बादामी कोरमा। हाँ जी आपको थोड़ा सा मैं सालन डाल के दूँ? आप इतना ड्राई खा रही हैं बिल्कुल। नहीं जी बस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर बुलाया, दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के मेरे पास आई। आपका भी अम्मी बहुत शुक्रिया। मैं इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। आप लोग ज़रूर ये आलू गोश्त बनाइएगा, मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। इतना मज़े का है ना, मज़ा आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर आपको शोरबा ज़्यादा रखना है तो आप ज़रा सा पानी डाल के दम पे रख दीजिए, बस हो जाएगा रेडी। ठीक है जी, अब आपसे एक और एपिसोड में मुलाकात करेंगे जायके घर घर की। अमरीन का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी मैं। आप क्यों नहीं खा रही? मैं खा रही हूँ आंटी, बिल्कुल मैं खा रही हूँ। मैं क्यों नहीं खा रही आंटी? ये छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से, मेरा फ्रोजन आइटम से मैंने कोई ऐसा गिफ्ट नहीं लिया, मैंने ये लिया है कि ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, ये आपके साथ बहुत बहुत। आंटी मेरी फ्रेंड आपके लिए केक लेकर आई हैं, तो वो भी आपके साथ जाती है। आपने खुद बनाए, आपका बेहद शुक्रिया। आपने इतना तकल्लुफ किया ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस दुआएँ चाहिए मुझे। आप कुछ मैसेज दोगे? आप कैसा लगा आपको मेरा आना? और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना, और मेरे लिए बहुत ये बहुत फख्र की बात है, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आप मेरे पास आए। इसमें क्या है, मैंने आपसे सीखा, फिर मैंने उसको ट्राई किया और आज मैं जो भी यहाँ तक हूँ, सब आप सबकी दुआएं हैं कि मेरी माँ की, आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे हस्बैंड का, मेरे फ्रेंड्स का, आप लोग का बड़ा फन है कि आप लोग मानते हो मुझे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट आई एम देयर टीचर। हमने तो आज फर्स्ट, मैंने 98 में आपकी फर्स्ट क्लास करी थी और मैं उस दिन से, उस दिन मुझे कुछ भी नहीं आता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी इंशाल्लाह, आपको भी मैं यही नसीहत देती हूँ कि बड़ों की कदर करें और सब्र और शुक्र से रहें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा खिलाएं, अच्छा अच्छा सीखें, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन ऐसा आएगा कि अमरीन के मुकाम पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह।